एवरीवन, माय नेम इज़ निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने बीबी क्रीम के साथ क्रिएट किया है। और गाइज, इस मेकअप लुक में मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट का यूज़ किया है। यू नो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर हम ज़्यादा हैवी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तो वो पसीने से बहता है और जो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। तो इसके लिए बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ये रक्षाबंधन मेकअप लुक हम किस तरह से कम प्रोडक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से ये कुर्ता सेट मंगाया था, जो मुझे बहुत प्यारा से रिसीव हुआ। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसी को पहनने वाली हूँ। मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है गाइस, और अब अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आइस क्यूब या चिल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले रही हूँ, जिसको मैं एज ए प्राइमर और एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। तो गाइज़, एलोवेरा जेल को आप एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन को यह मॉइस्चराइज़ भी करता है और मेकअप लुक को हमारे ग्लोई बनाता है। तो ये ग्लोई मेकअप के लिए भी आप इसको एज ए प्राइमर की तरह यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए और 1 से 2 सेकेंड के लिए आप उसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ MN की बीबी क्रीम। गाइज, ये बहुत प्यारी बीबी क्रीम है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। फुल कवरेज देती है, स्मच प्रूफ है और ये बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने अपने फेस पे फाउंडेशन नहीं लगाया है। विदाउट फाउंडेशन भी आप इस बीबी क्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये बहुत प्यारी है और हमेशा मैं इसी बीबी क्रीम को यूज़ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो गाइज, थोड़ी सी ये बीबी क्रीम मैं लूँगी और अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। नेक पे अप्लाई कर रही हूँ, नेक आपको अवॉइड नहीं करनी है। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लेंडिंग से ही हमारा मेकअप फ्लॉलेस नज़र आता है। तो गाइज, अच्छी तरह से आप बीबी क्रीम को अपने फेस पे ब्लेंड कर लीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ कर रही हैं तो उससे कर सकती हैं, अगर आप फिंगर से या हैंड से कर रही हैं तो उससे भी आप अच्छी तरह से अपनी बीबी क्रीम को सेट कर लीजिए। तो आप देख सकती हैं मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पे ये बीबी क्रीम सेट कर ली है गाइज, और अपनी बीबी क्रीम को कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं सेट कर लूँगी। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा गाइस, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर ही लेना है और इससे अपनी बीबी क्रीम को आपको सेट कर लेना है, क्योंकि पसीने से जब हमारा मेकअप धुलता है तो चेहरे पे लाइन सी नज़र आती हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। तो हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर आप अपनी बीबी क्रीम को सेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश ले रही हूँ, उससे अपने चेहरे पर लगे हुए एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं क्लीन कर लूँगी। तो गाइस, इस रक्षाबंधन मेकअप लुक में मैं अपने आई मेकअप को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्राउन शेड, और गाइज मैं इसे अपने पूरी आईज़ पे अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये बहुत प्यारा सा मैं आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आई मेकअप करने में। तो गाइज, देख सकते हैं आपकी ये ब्राउन शेड मैंने अपनी दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। अब जो ब्राउन शेड हमने लिया था, उससे जस्ट हमें थोड़ा सा लाइट शेड लेना है और इसको मैं अपनी आईबॉल्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। आई बॉल्स यानी हमारी आईज़ का जो बीच वाला पार्ट होता है, सेंटर का पार्ट होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट शेड का आई शेडो लेकर अप्लाई करना है, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं। और गाइज, अब मैं थोड़ा सा शिमर आई शेडो ले रही हूँ और इससे अपनी आईज़ की कट क्रीज बनाऊंगी। तो आप देख सकती हैं जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये आई मेकअप गाइज बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगता है। तो गाइज, इस मेकअप लुक में मैं अपने आई मेकअप को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा मेकअप मैं क्रिएट कर रही हूँ जिससे हमारा आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो और उभर कर आए। तो आप देख सकती हैं इस तरह से मैंने कट क्रीज बना ली है, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है मैंने, जिससे हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। तो अच्छी तरह से आप ब्लेंडिंग कर लीजिएगा। तो गाइज़, अपने आई मेकअप को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और इसे अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी। जिस जगह पे हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे हमें इसको स्मच करना है, इस तरह से जैसे आप मुझे देख रही हैं। तो थोड़ा सा मैं अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ ये आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। मेरी ड्रेस में ब्लैक शेड है, तो ब्लैक शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ पे। ये स्मोकी टच भी देगा और हमारे आई मेकअप को और ज़्यादा हाईलाइट करेगा। और हल्का सा ये आई शेडो मैं बाहर की तरफ इस तरह से निकाल दूँगी, जिससे हमारे आईज़ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी
जाएगी और हमारा आई का जो शेप है वो और ज़्यादा उभर कर दिखेगा। तो गाइज़ अब मैं अपने चीक्स पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ और हमेशा हमें पीच या पिंक शेड ही चीक्स पे अप्लाई करने चाहिए जो बहुत ही नेचुरल लगते हैं। तो अगर आप पीच या पिंक शेड एज ए ब्लश अपने चीक्स पे अप्लाई करते हैं तो इससे हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल और ग्लोई भी नज़र आता है और गाइस मेकअप देखने में भी बहुत अच्छा लगता है हमारा। इसके बाद अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने नोज़ एरिया को, तो नोज़ पे थोड़ा सा हाईलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ मैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइटर अप्लाई करूँगी अपने अपर लिप्स पे और थोड़ा सा हाईलाइटर मैं अप्लाई करूँगी अपने चिन पे। तो गाइज़ ये ऐसे हमारे फेस के पार्ट होते हैं जो हमारे हाईलाइटिंग करने से और ज़्यादा उभर जाते हैं और मेकअप हमारा बहुत ज़्यादा गॉर्जियस और ब्यूटीफुल नज़र आता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइटर अपने चीक्स पे अप्लाई करने वाली हूँ और अपने चीक्स एरिया को भी हाईलाइट करूँगी। अब मैं अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ गाइज़। यहाँ पे मैं मैरून कलर का शेड ले रही हूँ ये लिपस्टिक का और ये मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच करता हुआ है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा रोज़ कलर है जो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये लिपस्टिक को मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है गाइज़ लाइनर की, तो लाइनर को थोड़ा सा हम मोटा रखेंगे क्योंकि हमें अपना आई मेकअप पर फोकस करना है, हाईलाइट करना है। तो लाइनर को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है और दोनों आईज़ पर हम लाइनर को अप्लाई कर लेंगे। आप देखते हैं जब इस तरह से खींच के आप लाइनर को लगाते हैं तो ईजिली आपकी आईज़ पे लग जाता है। तो मैं डबल विंग्स आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ गाइस जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो जहाँ से हमारी फर्स्ट लाइनर की विंग होती है जस्ट उसके नीचे से थोड़ी सी लंबी हम विंग्स बनाते हैं तो ये हमारा डबल विंग्स आईलाइनर क्रिएट हो जाता है जो देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद बारी आती है हमारी हेयर स्टाइल की, तो एक साइड से हमने पफ क्रिएट किया हुआ है, आप इस तरह से पफ क्रिएट कर लीजिए क्योंकि गर्मी है और गर्मी में बालों को हम खुला नहीं रखते क्योंकि बाल जब पसीने से चिपक जाते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैंने अपनी हेयर स्टाइल क्रिएट कर ली है गाइस और अब मैं ये नेकलेस पहन रही हूँ जो मेरी ड्रेस से मैच करता हुआ है, बहुत ही लाइट वेट है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, फंकी ज्वेलरी में आता है ये। और इसके बाद मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की अपनी ड्रेस से मैच करती हुई बैंगल पहन रही हूँ और ये मैंने लोकल मार्केट से एक बड़ी सी रिंग खरीदी थी जो मेरी ड्रेस पे बिल्कुल मैच कर रही है तो मैंने ये भी पहन लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मस्कारा और काजल को स्किप किया है, मैं यहाँ पे मस्कारा और काजल नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो जब फैलता है तो दिखने में ख़राब लगता है, आईज़ एरिया हमारा बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आने लगता है उससे। तो मस्कारे और काजल को मैंने अवॉइड किया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ, थोड़ा सा जेल लगा लिया है मैंने और आईलैशेस को अगर आप इस तरह से कर्ल कर लेती हैं तो वो भी बिल्कुल मस्कारे जैसा ही इफ़ेक्ट लाती हैं और आईब्रोज़ हमारी भरी भरी सी नज़र आती है। तो मैंने इस तरह से अपनी आईब्रोज़ को सिर्फ कर्ल कर लिया है। तो ये है गाइस मेरा फाइनल मेकअप लुक जिसे मैंने बीबी क्रीम से बहुत कम प्रोडक्ट के साथ क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्लोई मेकअप लग रहा है। इस तरह से इस रक्षाबंधन में आप भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं और इस मेकअप लुक के साथ ही साथ मैंने बहुत ही हेल्पफुल सी आपको टिप्स भी दी हैं। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ में मुझे याद रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रक्षाबंधन।